नमस्कार दोस्तों, आज हम पेड़े बनाएंगे, वो भी मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर से पेड़े झटपट और स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, आधा कटोरी चीनी ले ली है, एक गिलास हमने मलाई वाला दूध ले लिया है, आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध गर्म हो गया है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। हमें इसको हिलाते रहना है कि जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालेंगे। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम गैस बंद करके फिर ही मिल्क पाउडर डालें। मिल्क पाउडर में गुठलियाँ सी हो जाती है, इसलिए अच्छे से फेंटना है इसको। हम दो तीन बार करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ज़्यादा नहीं हो और गुठलियों को अच्छे से मेल्ट कर देंगे। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, अब हमने गैस चालू कर दिया है। गैस ऑन करने के बाद हमें लगातार इसको चलाते रहना है, जिससे कि नीचे जले नहीं, ये चिपकता ज़्यादा है, इसलिए हमें इसको लगातार हिलाते रहना है। हमारा जो मावा है वो बनने लग गया है। इसमें गाढ़ापन आने लग गए हैं। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम दो चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो पेस्ट है उसको हम निकालेंगे प्लेट में। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से पेड़े बनाएंगे। हम इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। हमारे पेड़े बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं, ये एकदम मुंह में जाते ही घुलने वाले हैं।